तो पैकेजिंग डिज़ाइन में ना ये जो कर्व बना रखे ना, इसका भी एक एक सेंटीमीटर या एक एक मीटर मैंने रखता है कि बंद होगा बॉक्स की नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, पूरा नाप के बनाना है हमने, बात समझ आ रही है इतनी? ठीक है, जैसे मुझे ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो मैंने इसे थोड़ा छोटा कर लिया कुछ ऐसे, ठीक है, साइड पे रख लेंगे और मैं आपको बताता जाऊँगा कैसे कैसे साइज मैटर करता है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके चारों साइड सीक्वल्स है। ठीक है, तो ये पूरा स्केयर में है ना, एक साइड से तो पूरा स्केयर में है, समझ रहे हो इतनी बात? जैसे आपको किसी क्लाइंट ने साइज़ दिया कि मेरा बॉक्स, वैसे क्लाइंट सारा साइज़ बताता है कि ये साइज़ कितना होगा इसका, ये जो फोल्ड कर रखा है इसका कितना डिग्री फोल्ड होगी। ठीक है, पूरा पूरा हमें पूरा डिटेल में आता है जो हमें बनवाता है। ठीक है, पूरा साइज़ आता है, समझ रहे हो बात? जहाँ तो वो हमें बॉक्स दे जाते हैं कि इसका ऐसा बनाना है बस, ठीक है, तो वैसा बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट किया ऐसे करके, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है, ऐसे पूरा रेक्टेंगल बना लिया, समझ रहे हो बात? यहाँ पे मुझे साइज दे रखा है मिलीमीटर्स में, मैंने कहा कि मुझे, क्लाइंट ने कहा 80x80 का मुझे एक बॉक्स बनाना है पूरा, तो मैंने 80x80 इसको प्रॉपर मिलीमीटर्स में लिया, समझ रहे हो बात? तो 80 लेना है, ठीक है, पूरा पूरा देख रहे हो, वहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो 80 लेना है, समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, 80 हो गया वो, समझिए। ठीक है, वो मैंने कैसे किया, यहाँ से ये लॉक थी वैल्यू, मैंने क्लिक किया ना, वैल्यू लॉक थी, जब मैंने ऊपर की चेंज की, नीचे की अपने आप चेंज होगी। ठीक है, अब मैं इसको फिर से लॉक कर दूंगा, या तो अनलॉक करके पहले सेम कर लो, फिर से लॉक कर दो उसको, समझ गए इतनी? ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, मुझे इसके चार पार्ट बनाने ना, बॉक्स के चार पार्ट हो गए ना तभी वो क्लोज होगा पूरा। तो मैंने इसे प्लस प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हो कॉपी हो गया, मैंने नोड टू नोड ऐसे स्नैप कर दिया उसको, मैंने फिर से प्लस किया, मैंने फिर से नोड टू नोड स्नैप कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? फिर से मैंने प्लस किया, नोड टू नोड स्नैप कर दिया कुछ ऐसे, बात समझ आ रही है इतनी? ठीक है, हमने ध्यान रखना है प्रॉपर साइज़ में हो, ठीक है, प्रॉपर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो, इतनी बात समझ लगी? ठीक है, इनमें कलर कर देता हूँ आपको पता लगे थोड़ा, मैं नॉर्मल ये कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, वो जॉइन है, समझ गए, वो थोड़ा बस दिख रहा है ग्लिच। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अब हमने जो इसका ये बॉक्स बनाना है ऊपर का, उसका कैप कितने बाय कितने का होगा? अगर मैंने सपोज़ ये 80x80 मीटर्स के रखे हैं, तो जब ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ऊपर जो बॉक्स आएगा कितने का होगा? वो भी 80x80 का ही होगा, प्रॉपर होगा, बात समझ आ रही है इतनी? ठीक है, तो मैंने इसे ही प्लस किया, मैंने एक और कॉपी कर लिया। ये सेकंड बॉक्स पे क्यों लगाया जाता है ऐसे करके? क्योंकि जब ये क्लोज होता है तो ऊपर से बंद होगा, तो सेकंड बॉक्स पे रखा जाता है इसको ज़्यादातर, समझ रहे हो बात? अगर मुझे ऊपर से भी करना है तो मैं एक और प्लस करूँगा, तो मैं ऊपर भी रख दूँगा एक ऐसा ही बॉक्स यहाँ पर, बात समझ आ रही है? इसका थोड़ा डिफरेंट कलर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ग्रे सा कर देते हैं कुछ, ठीक है, अलग दिखे आपको, ठीक है, कुछ ऐसे, समझ रहे हो बात? ठीक है, अब यहाँ पे एक और ये 2 इंच का, जैसे 10 मीटर का उसने दे दिया मुझे मिलीमीटर्स का, उसने कहा 10 का बनाना है, मैंने इसे प्लस इसे ही कॉपी किया, मैंने इसे ऐसे रख दिया ऊपर, मैं इसकी हाइट कम कर दूंगा, है ना, हाइट कम कर दूंगा, मैंने इसको बताया 20 कर दो भाई साहब। ठीक है, सिर्फ हाइट करनी थी, तो इसे अनलॉक कर सकते हो आप, तो हाइट को यहाँ से 20 कर सकता हूँ, समझ रहे हो बात? तो मैंने सिर्फ हाइट चेंज की है, विड्थ उसकी सेम रहेगी ना, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अब मुझे इसको, उसने कहा 15 डिग्री मुझे अंदर को टिल्ट चाहिए, उसके जो कॉर्नर्स हैं 15 डिग्री अंदर को टिल्ट चाहिए, तो हम 15 डिग्री कैसे मेजर करेंगे, है ना, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर मेजर नहीं होता। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से 2 पॉइंट लाइन मैंने टूल लिया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की यहाँ तक, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, ये देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऑन कर रखा है, इसे मैं बंद कर देता हूँ, ये कहाँ से आता है ये पता होना चाहिए, इसे मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को। मैं विंडो पे गया, डॉकर्स पे गया, यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए रोटेट, मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट की एक विंडो आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बात समझ आ रही है इतनी? ठीक है, मुझे यहाँ पे इस लाइन को रोटेट करना है, मैंने पिक टूल लिया, मैंने सेलेक्ट किया इसको, जब एक बार सिंगल क्लिक करते हो तो आती है स्केल वगैरह, हमने करना है मूव वगैरह करना है, जब एक बार और क्लिक करते हो ऑब्जेक्ट पे तब रोटेशन आ जाती है, तो रोटेशन का ये पिविट पॉइंट है, इसको मैंने उठा के नीचे रख दिया ना, वो स्नैप हो गया नीचे की तरफ, मैंने नीचे रख दिया, मुझे ना 15 डिग्री उसे रोटेट करना है, मैंने यहाँ पर इसको बताया, मैंने कहा 15 डिग्री ऐसे दे दो ना, 15 डिग्री यहाँ पे मुझे कॉपी नहीं चाहिए, सिंगल जीरो अभी चाहिए, मैंने अप्लाई कर दिया, रोटेट होगा 15 डिग्री पे वो। ठीक है, अब मैं ये जो शेप है मेरी, ठीक है, शेप टूल से इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, है ना, पर अभी के लिए ये मॉडिफाई नहीं होगा क्योंकि ये राउंड होता रहेगा। ठीक है, इसे क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व्स, बहुत बढ़िया, कंट्रोल क्यू। ठीक है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया ऐसे करके, मैंने इसे जब मूव करना है शिफ्ट के साथ मूव करना है कि वो प्रॉपर हो, तो देख रहे हो मैंने पूरा लाइन के ऊपर रखना है उसे, समझ रहे हो बात? शिफ्ट के साथ करोगे आप पूरी लाइन पे, ठीक है, कुछ ऐसे।
ठीक है, अब 15 डिग्री पूरा है वो, बस आम बात समझ आ रही है इतनी। ठीक है, अगर आपको एक साइड आपने बना ली है 15 डिग्री, दूसरी साइड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपने इसे थोड़ा छोटा किया, यहाँ से पॉइंट से सेलेक्ट करके, है ना, ये पॉइंट से सेलेक्ट करना है, ऐसे करके थोड़ा छोटा कर दिया ऐसे करके। ठीक है, इसी शेप को आप कॉपी करो, प्लस किया मैंने, ठीक है, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने, यहाँ से फ्लिप कर देना, मिरर कर देना, दूसरी साइड मिरर किया और मैंने यहाँ से इसे इधर सेटल कर दिया इस साइड। ठीक है, अब दोनों को अगर आपने कंबाइन करना है, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन कर दो। ठीक है, एक साइड मैंने बना ली थी, दूसरी साइड अपने आप ही कॉपी कर दी मैंने, ठीक है, और कंबाइन कर दिया उसको। इसका कलर अलग डिफरेंट कर देता हूँ, थोड़ा दिखे आपको, थोड़ा लाइट कर दिया। ठीक है, अब इसी को मैंने कॉपी किया प्लस के साथ फिर से। ठीक है, जब वो ब्लिंक होता है ना, पता लग जाता है कॉपी हो गया। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया ऐसे करके, मैंने मिरर कर दिया, उल्टा मिरर करना था हमने, है ना, कि नीचे की साइड में उसे सेटल कर सकूँ। अब बॉक्स को यहाँ से तो हमने बंद कर दिया, अब जब हम साइड से उसको ज्वाइन करते हैं बॉक्स को, तो स्पेस देनी पड़ती है साइड पे भी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी मैं 20 दूंगा उसकी विड्थ को। मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे रखा ऐसे करके। ठीक है, इसका कलर थोड़ा लाइट कर देता हूँ उससे, ठीक है, ऐसे करके। मुझे इसकी विड्थ करनी है ना कम, ठीक है, विड्थ कम कर देंगे, 20 कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको सेम, अब देखो कई बार ये साइज जो होता है ये कम होता है, इसलिए मैंने इसको बनाने की बना के ऐसे रख रहा हूँ ऐसे करके, है ना, नहीं तो अब तो ये चारों तरफ से 80 80 ही है, तो इसका साइज़ भी सेम ही है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ ऐसे, मैंने प्लस किया ऐसे करके, ठीक है, कॉपी हो गया। अब मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है, मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ ऐसे, 90 डिग्री, कंट्रोल के साथ 90 डिग्री ऐसे रोटेट करो, देख रहे हो स्नैप हो गया 90 डिग्री, नहीं तो सेलेक्ट करके यहाँ भी दे सकते हो 90 डिग्री, अप्लाई कर दो, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने मूव किया ऐसे करके, यहाँ रख दिया ऐसे, समझ रहे हो बात, तो यहाँ से भी ज्वाइन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, साइड से ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बॉक्स में क्या है कि इस बॉक्स में उन्होंने ये अलग रखे हुए हैं और ये बॉक्सेस अलग रखे हुए हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मैंने सिर्फ ये पार्ट लगाया, उन्होंने बॉक्स ऐसा बनाया कि यहाँ पे भी होने चाहिए, वो कह रहे, मैंने कहा ठीक है हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, इस पार्ट को मैं मूव करके इधर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे मूव किया कुछ ऐसे, यहाँ रख दिया, ठीक है, सेम आएगा वो वैसे ही। तो यहाँ पे भी उन्होंने बॉक्स लगाए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस करेंगे पहले उसे, हमने कॉपी कर लिया ऐसे करके। ठीक है, मैंने मिरर करना है उसको, वर्टिकली मिरर कर लिया, मैंने सेलेक्ट किया ऐसे करके, रख दिया इसको। ठीक है, ऊपर की साइड लगाने हैं, इन्हें प्लस कर लेंगे हम, इन्हें लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पूरा नाप के करना है हमने प्रॉपर, ठीक, तभी वो बनेगा प्रॉपर, समझ रहे हो बात। ठीक है, यहाँ पे लगाने, यहाँ भी प्लस करके यहाँ रख दो आप इसको, ये स्नैपिंग ऑन करके रखनी है, स्नैप से ना प्रॉपर रख पा रहा हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, स्नैपिंग कैसे ऑन करनी है सबको पता है। ठीक है, यहाँ टू पे जाना है, स्नैप टू पे जाना है, यहाँ पे स्नैपिंग ऑन कर लेनी है ऑब्जेक्ट और पेज पे, बात समझ आ रही है इतनी। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने इसका कलर अलग करना है, इसमें शेप्स वगैरह बनानी है, इतना तो पता है ना, अब शेप्स कैसे बनेगी, इसी को प्लस कर लो, चाहे छोटा किया थोड़ा सा मैंने, इसमें डिफरेंट येलो कलर अगर करना है कर सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व्स करो ऐसे करके, उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे लो, ठीक है, ऐसे शेप्स बना सकते हो अलग अलग, बात समझ आ गई। अब इसके अंदर डिज़ाइन तो कर सकते हो ना, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, ठीक है, आप लिख भी सकते हो, बीच में हमने शेप्स बनानी है, इसी को शेप को प्लस करते जाओ, क्योंकि सेम टू सेम बनेगी ना उसकी विड्थ और हाइट जैसी हमने बनानी है, तो ऐसे पट्टियाँ ऐसे लगाओ इसको। ठीक है, इसको कॉपी करना है, प्लस करो यहाँ से कॉपी करके, हमें यहाँ पे चाहिए ये, तो यहाँ पे लगाओ, शिफ्ट के साथ प्रॉपर लाइन पे आएगा वो। ठीक है, ये पीछे चला गया उसके। ठीक है, तो पेज कंट्रोल पेज अप करना है हमने। ठीक है, आप ऊपर आ गए, समझ गए बाद में। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी को, ये ऐसे बनाने हैं, ये जो साइज सारा कुछ देते हैं वो, ऐसे मैं बता देता हूँ।